बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद जल भराव से परेशान लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की चेतावनी दी। मामला गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के गांव अड़िंग का है। यहां बारिश के पानी से प्रभावित लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पानी की निकासी के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अड़िंग की एक कॉलोनी में बने मकान जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। विधायक से पानी की समस्या को लेकर कई बार कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन हालातों में गेहूं की फसल की बुवाई भी प्रभावित होगी। जल भराव से गांव में बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। सोमवार को जल भराव की समस्या से आक्रोशित लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की चेतावनी दी। हम डोईलाल है, मैं बीजेपी से बूथ अध्यक्ष इसी बूथ से हूँ जहाँ जो पानी भरा हुआ है। ये किसान बहुत परेशान है, करीब ना तो हजारों किसान परेशान है। ये चार छह ही नहीं, हजारों किसान परेशान है। ये पानी करीब डेढ़ महीना से भरा हुआ है। इसके समाधान के लिए आपने क्षेत्रीय विधायक जी से बोला नहीं कभी? इसके समाधान के लिए हम SDM साहब से मिले थे, उन्होंने वो आए भी थे, देख भी गए, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद हम विधायक जी से मिले, उनके सपुत्र श्री जीतू जी से मिले। उन्होंने कहा था मैं इस पानी को निकलवा दूंगा। भैया क्या नाम आपका? यादराम। कहाँ के रहने वाले? अड़िंग के। फिर क्या समस्या है पानी को लेकर? पानी की समस्या ये है कि इसकी मतलब हर साल की प्रॉब्लम ये है कि हर साल मतलब पानी में मरते हैं। यहाँ फसल मर जाती है, कोई सुनाई नहीं करता है। हर साल मतलब डोलते हैं, हर साल कहते हैं, अब भी खूब कहा था हमने, पर कोई सुनाई नहीं करता है हमारी। क्या को रणनीति बना रहे हैं आप? अब हम यही बना रहे हैं कि जो कहा हमें किसी को वोट नहीं देना है, हम तो मर तो रहे ही, हम साले हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, पानी कहाँ से आया, किस प्रकार निकलने को समाधान इसका? समाधान इसका मतलब नहर में हो सकता है, परंतु जो कहा कोई भी सुनाई नहीं करता है हमारी। या हमें पंपा गिर जाए, या हमें कोई सैंपल बन जाए, इसका समाधान हो सकता है, पर हो तो जब कोई मतलब करे। मेरा नाम डालचंद शर्मा है। कौन सा गाँव? गाँव अड़ी गई है, जहाँ पानी खड़े हुए हैं वही हमारी जन्मभूमि है। अच्छा, क्या कुछ समस्या है पानी को? समस्या तो भाई साहब ये सबरी समस्या बताओ, महीनों हो गई हमें डोलते, हमारे सारी तो फसल नष्ट हो गई है और पानी से बरकरार हमें रोजाना निकलना पड़ता है। हमारे बच्चे एक ही जगह वहीं पे बरकरार ठहरे हुए हैं, जिनको कहा स्कूल भी जाना दुर्लभ पड़ रहा है, बीमारी से परेशान है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरह से भी, हम सबके पास डोल लिए। पानी कहाँ से आया, किस प्रकार पानी भरा? पानी कुछ तो मतलब कि ऐसा होता है कि झील सी पड़ जाती है तो ऊपर से जैसे नहर वगैरह का चलता है या नहर, उससे आ जाता। फिर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो उससे बहुत जनप्रतिनिधि या किसी विभाग के अधिकारियों को संपर्क नहीं, सबके पास डोल लिए। वो तो कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। हम वहाँ पे गए थे इनके पास, ये नहर विभाग का इनका वो है, उनके पास गए तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं है इसमें, तुम आप जाके प्रधान से मिलो। प्रधान जो कह रहा है कि इसमें कोई हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारा भी कोई काम नहीं है, किसी का काम नहीं है, तो हम किसके पास जाएं, किसका काम है ये? अब क्या कहना चाहते हो तुम? हम तो यही कहना चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और हम अब वोट नहीं देंगे बीजेपी को, मतलब किसी को भी नहीं देंगे वोट। हम वोट का बहिष्कार करते हैं, अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम वोट नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। श्रीमती, क्या समस्या है पानी को लेकर? पानी की समस्या है, रात दिन और रात की रास्ता है और ना तो भैंसन को कोई सौदा बचाओ, ना भैंसन को बचाओ, ना मानसन को बचाओ। कछु बालक रोज बीमार रह रहे, ना यहाँ में तो गाड़ी घोड़ा निकले, ना यहाँ कोई डॉक्टर है और ना कोई यहाँ पानी की कोई कछु कर रो है। और कहा भैंसन को चरा में बुर्जी बह गई और अब गेहूं की संभावना ना है, कछु की ना है। जैसा कि 2022 में चुनाव आने वाला, आप किसको वोट देंगे? हम कोई को ना दें वोट, किसी को नहीं देंगे, ना देंगे। क्या नाम आपका? पूरी नाम है मेरा। क्या समस्या है पानी की? इस सबरी समस्या है, यहाँ पानी भर रहा हो, पानी में एक जाए बालक बच्चे, हम रास्ता जावे बिल्कुल एक महीना थे इतने बीतते जा रहे, मतलब कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी, हारी है बीमारी है, मतलब कहाँ है कि जाए। उसको लेकर आपने यहाँ जनप्रतिनिधि या किसी विभागीय अधिकारी को संपर्क नहीं किया? कोई नहीं, नहीं किया कछु, कोई सुनाई नहीं कर रहा, सुनाई नहीं कर रहा कोई, नहीं कोई भी। अब क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने वोट को लेकर? अब वोट हम किसी को नहीं देंगे, हम तो मरे ही रहे, वोट कौन को दे? जब कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा तो हम किसी को वोट ना दे।